जैसे पहले बोलना चाहूँ कि बहुत दिन मैं टीम के बाहर था, तो इंजरी था, तो उसके बाद डोमेस्टिक खेल के फिर टीम में इंडिया आया के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस किया, फिर टीम में नाम आया। तो उसके बाद मेरा प्रिपरेशन वही था कि जैसे उससे पहले प्रिपरेशन वाइज जैसे बैटिंग कीपिंग में करता रहता था, तो वही कंटिन्यू किया। और उसके बाद होम सीरीज में मुझे मौका मिला है और टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे मैं हैप्पी हुआ। फिर एक्चुअली टीम में जो मतलब खेलते हैं, हर कोई कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एज ए कीपर, उसके बाद अगर जैसे टीम के लिए कोई पार्टनरशिप अच्छा होता है या 50 या 100 अगर टाइम मिले, तो सब कुछ मिला के टीम के लिए कंट्रीब्यूट पहले करने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई वैसे ही कोशिश करता है, मैं भी कोशिश करता हूँ। कुछ दिन होता है, कुछ दिन नहीं होता है। और यही बोलना चाहूँगा कि और दादी को लेके कि दादी अभी जो पद पे आया है उसमें होपफुली क्रिकेट के लिए और भी मतलब प्लेयर्स और जैसे आउटसाइड जो जो सर्कमस्टेंसेज है उसमें प्लेयर्स का फ़ायदा होगा, ऐसे ही मानता हूँ। कौन से दिन में मिला? हाँ अच्छा हाँ, वो जैसे मान ले कि जाने से पहले कैसे नेट्स में बॉलिंग मतलब कर रहे हैं बॉलर्स, वो अगर जैसे टीवी में हम लोग देखते जब बैटिंग नहीं करते थे, तो सेम चीज़ उधर नेट में पीछे जाके देखा कि कैसे बॉल का विकेट का बाउंस कैसा है, तो उसका थोड़ा फील लिया। फिर जगह अंदर अंदर थोड़ा सा मतलब 1% हुआ भी थोड़ा सा मतलब लाभ तो होता ही है, तो वही कोशिश करो बस। हाँ हाँ, एक्चुअली हर कोई टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उमेश ने पहले इनिंग में बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला है और अच्छा चांस क्रिएट किए थे, तो सेकेंड इनिंग भी वैसे किया। और जो चांस क्रिएट हुआ था लेग साइड के बाहर, तो मैं उसमें लकीली पहुंचा और मैं टीम के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। और हाँ, उमेश ने बोला है कि मेरा 2 विकेट है, तो वैसे अच्छा तो लगता ही है कि पर्सनली थोड़ा अच्छा से टीम गया है वो लास्ट मैच, और टीम के लिए भी फ़ायदा हुआ स्पेशली। आपने जैसे बताया कि मेंटोर, वैसे मेंटोर टाइप कुछ नहीं है, हम लोग डिस्कस करते जैसे नॉर्मली कीपर्स लोगों का जैसे थिंकिंग होता है, या फील्डिंग कोच श्रीधर साथ हम तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा विकेट में कैसे कीपिंग करना है। और मतलब मैंने कैसा किया वो बाहर से ऑब्जर्व किया, वो जो वेस्ट इंडीज़ में कर रहा था मैंने ऑब्जर्व किया, तो उस चीज़ में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में काम करते हैं। और हम लोगों का बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे मेरा कुछ अगर गलती होता है तो वो बताता है, अगर कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश होता है मैं बताता हूँ, तो वैसे अच्छा है अभी तक। वैसे देखा जाए तो हर जगह कीपिंग करने में टफ तो होता ही है, क्योंकि कीपिंग एज ए देखा जाए तो थैंकलेस जॉब है, ग्लव पहना हुआ है, सब कुछ सोचता है कि हर बॉल तो पकड़ता ही है, पकड़ना ही चाहिए, तो वैसे इजी नहीं होता है टर्निंग ट्रैक में भी और स्पेशली अनइवन बाउंस में भी। तो प्रिपरेशन वैसे हम लोग करते हैं कि कैसे विकेट है वैसे रीड करके, और जैसे जड्डू और ऐश डालता है, तो बहुत दिन से मैं उन लोग दोनों को कीपिंग करता हूँ, तो उन लोगों का वेरिएशंस पता है और उन लोगों का पेस भी पता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके मैं वो मतलब सिचुएशन हिसाब से एडजस्ट करता हूँ।
ये जो टीम इलेवन तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं, जो विकेट देखे तो देख के उतना मतलब स्पोर्टिंग अभी तक लगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया विकेट में, थोड़ा बहुत जैसे पुणे में जैसे ट्रू था, पेस बॉलर का भी था, बैट्समैन का भी था और स्पिनर्स का भी आउट बॉल घूम रहा था। तो इधर होपफुली लास्ट सीरीज जब हम जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे ऑलमोस्ट सिमिलर वैसे टाइप का रहेगा, मे बी जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा थोड़ा घूमने चालू हो सकता है। नहीं, हम लोग जैसे दादी ने इतना दिन मतलब रिप्रेजेंट किया है कंट्री और मतलब डोमिनेट किया है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर भी, तो दादी को स्पोर्ट्स फील्ड में या जैसे नॉर्मली प्लेयर्स के बीच में क्या चलता है, क्या डिमांड होता है, तो वो सब चीज़ पता है दादी को। तो उस चीज़ में दादी में भी और भी थोड़ा मतलब प्लस पॉइंट ला सकते हैं और टीम को या मतलब इंडिविजुअल या जैसे मान लो कि टीम गोल रहता है या ट्रैवल कुछ भी होता है, एज ए टीम जैसे हम लोग जाते सब मिला के कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट और भी पॉसिबल कर ही सकते दादी। तो दादी को उसको पता है, तो वो चीज़ जैसे मान लो कि कुछ चीज़ अगर मान लो अभी हो ही नहीं रहा है वो दादी कर सकते हैं, क्योंकि दादी को पता है। 2017 में इसी विकेट में आपने शतक बनाया था, पुजारा और चेज़ में डबल सेंचुरी बनाया था, तो कई कुछ अलग सा फीलिंग आता है, थोड़ा सा अलग फीलिंग आता है क्योंकि जब इस पे शतक बनाए वाला जब फील्डिंग आप खेल रहे हैं। फीलिंग वाइज जैसे हर टेस्ट मैच में ऐसे मैं देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जैसे टीम को अच्छा कंट्रीब्यूट करना है एज ए बैटिंग और कीपिंग में भी, तो हाँ इधर लास्ट मैच में मैं 100 बनाया था 117 शायद, तो वो दिमाग में है कैसे अप्रोच किया था और कीपिंग भी एक स्मिथ का एक इंसिडेंट हुआ था इसी ग्राउंड में शायद, तो वो भी याद है। और देखा जाए तो एज ए टीम लास्ट मैच इधर ड्रॉ हो गया था, तो इस बार कोशिश करेंगे कि जैसे 2-0 ऑलरेडी है हम लोग, तो इसको 3-0 करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस का दौरान रांची का पिच कैसा लगा इनका? वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिस विकेट अच्छा ही था, हाँ एक आध बॉल थोड़ा सा मतलब अनइवन टाइप की थोड़ा सा नीचे जा रहा था, मगर ओवरऑल प्रैक्टिस विकेट में तो हाँ पिच में तो अभी तो खेला नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा, तो उसमें प्रैक्टिस विकेट में एक आध बॉल थोड़ा सा लो रहा था, मगर एज ए बैटिंग वाइज अच्छा था। और ये तो हाँ इंडिविजुअल डिसीजन है धोनी भाई का, तो इतने दिन से खेले उनको पता है कि कब क्या करना है, तो इसके बारे में मतलब वो पर्सनली बताएंगे। गांगुली ने कहा कि 24 को मैं सेलेक्टर से बात करूंगा, वो मतलब उन दोनों का पर्सनल है।